अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे तो बच्चों आज ही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर है जी मेरे पास एट फोर्स एंड मोशन इसका मैंने आपके साथ लेक्चर नंबर वन शेयर कर दिया था यहाँ तक बैलेंस फोर्स तक समझ आ गई थी आप लोगों को आप लोगों को अगर नहीं समझ आएगी तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं वहाँ पे आप लोगों को बैलेंस फोर्स के तक का लेक्चर मिल जाएगा आज ही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में नाउ वट इज अनबैलेंस्ड फोर्स बैलेंस फोर्सेज के अंदर तो हम लोगों ने पढ़ लिया था के दोनों फोर्सेज होंगी वो अपोजिट डायरेक्शन होंगी लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन इस तरह से होंगी कि दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी और वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रही होंगी तो मेरे पास जीरो नेट फोर्स नेट फोर्स कितनी हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी और बैलेंस्ड फोर्सेस कभी भी मोशन में नहीं होती कभी हमेशा हमारे पास रेस्ट स्टेट में होंगी देखिए आज हम लोग बात करते हैं अनबैलेंसड फोर्सेस के बारे में अनबैलेंसड फोर्सेस कॉज अ चेंज इन मोशन बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड और डायरेक्शन अब अनबैलेंस फोर्सेस के अंदर हमारे पास क्या होगा हमारे पास मोशन में होगी वो चीज़ यानी कि उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो सकती होंगी मैंने टू फोर्सेज अब ये देखिए ये अनबैलेंस फोर्सेज की डेफिनेशन है मैंने टू टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द आर नॉट इक्वल इन साइज वी से दैट द फोर्सेज आर अनबैलेंस यानी कि जब दो चीज़ों की दो चीज़ों की फोर्स अप्लाई हो रही होगी दो चीज़ों दो फोर्सेज हमारे पास अप्लाई हो रही होंगी दो फोर्सेज होंगी और दोनों फोर्सेज बैलेंस्ड फोर्सेज नहीं होंगी अनबैलेंस फोर्सेज होंगी तो वो क्या हो जाएंगी हमारे पास अनबैलेंस फोर्स होगी यानी दो फोर्सेस दोनों फोर्सेस अन अनिक, इक्वल होंगी दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी अब देखिए मैंने यहाँ से ये एक बॉक्स है ये एक पेंसिल है फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल है मैंने इसको यहां से धक्का दिया ये पेंसिल यूं बैंड होगी ये वाली फोर्स ज्यादा थी और यहाँ पे जो फोर्स लगी हुई थी एक फोर्स ये भी तो है ना जो जो इसको होल्ड किए हुए है ठीक है ये फोर्सेज ये वाली फोर्स कम थी ये वाली फोर्स ज्यादा थी अनबैलेंस फोर्स होगी तो ये पेंसिल बैंड होगी ये जो था ना ये अनबैलेंस फोर्स है फोर्स आर अनबैलेंस द नेट फोर्स डज नॉट इक्वल टू सी फोर्स अनबैलेंस कब होंगी जब इनका नेट फोर्स क्या होगा नहीं जी, जीरो के इक्वल नहीं होगा बैलेंस बैलेंस्ड फोर्सेस के अंदर नेट फोर्स क्या होती है इक्वल टू जीरो होती है जबकि अनबैलेंस फोर्सेस के अंदर हमारे पास नेट फोर्स होता है वो जीरो नहीं होती ठीक है इम द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट आर अनबैलेंस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल चेंज अगर फोर्सेज जो हैं वो अनबैलेंस होंगी तो वो क्या होंगी जो उनका मोशन होगी वो चेंज हो सकता है वो मतलब कि वो चीज़ें मूविंग में आ जाएंगी वो वो चीज़ें मूव कर सकती हैं चीज़ें हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो मूव तब कर रही होती हैं जब क्या कब कर रही होती हैं कि जब वो उनके ऊपर एक फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही होती है ठीक है अब देखिए कार है आगे वो गाड़ी है वो मूव कर रही है ठीक है अब एक हवा है जो कि गाड़ी को कहेगी पीछे चलो हवा देखिए आप लोग जब हाथ गाड़ी से बाहर निकालते हैं गाड़ी चल रही हो तो आपका हाथ पीछे जाता है थोड़ा थोड़ा हवा आपको पीछे खहचती रही है आपके हाथ को लेकिन आप लोगों का हाथ एक पर एक जो फोर्स आगे की तरफ जाने वाली लग रही है जिसको सिंपल खड़े होने आपके हाथ सीधा गाड़ी के अंदर खड़े होने में मदद कर रहा है खिड़की से बाहर एक आप कहते हैं ना हाथ पीछे की तरफ भागता है जब गाड़ी तेज में होती है क्यों क्योंकि हवा आपको पुष्ट करी होती है कि पीछे जाओ इसलिए वो हवा गाड़ी का भी तो पुष्क रही होती है लेकिन गाड़ी की फोर्स अगली आगे धकेलने वाली फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि वो गाड़ी आगे मूव कर रही होती है इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग इट विल बिगन टू मूव अगर ऑब्जेक्ट मूव मोशन ही था अनबेलेंस जब उसके ऊपर अप्लाई होगी तो वो मूव करने लग जाएगी इफ द ऑब्जेक्ट वज ऑलरेडी मूविंग इट विल अट द स्पीड अप स्लो डाउन और चेंज द डायरेक्शन डिपेंड ऑन द फोर्स अप्लाई और अगर ऑलरेडी चीज़ मूव कर रही है तो या तो फिर वो उसकी स्पीड ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू हो जाएगी या फिर उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी और या फिर वो वो डायरेक्शन चेंज कर लेगी वो उसकी स्पीड वो उसकी फोर्स के ऊपर अप्लाई कर डिपेंड करता है कि वो उसके ऊपर किस तरह की फोर्स अप्लाई हो रही है ठीक है समटाइम मोर देन वन पेयर ऑफ फोर्सेज इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कभी कबार ऐसा होता है कि ए दो से ज़्यादा फोर्सेज अप्लाई हो रही होती हैं वन पेयर ऑफ फोर्सेज में भी बैलेंस द अदर दो पेयरिंग फेल्ड पेयर्ड फोर्सेज अप्लाई हो रही होती हैं हो है। हो है। एक वो होती है जो कि बैलेंस uh, फोर्स हो रही होती है और दूसरी अनबैलेंस फोर्स हो रही होती है इफ़ वी नो द मैग्नीट्यूड और साइज ऑफ द ऑफ ईच फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट वी कैन वर्क आउट द नेट फोर्स एक्टिंग अगर हम लोग को पता होगा कि ए, ए, उनका वेट कितना है अगर आज से जो बैलेंस फोर्स है उसका वेट कम है और अनबैलेंस का ज़्यादा है तो हम लोग कह देंगे कि ये तो चीज़ आगे मूव कर देगी ये तो टोटली totally अनबैलेंस जो मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में होगी ना वो चीज़ उसको कंसिडर करेंगे अगर बैलेंस फोर्स ज़्यादा अमाउंट में होंगी अनबैलेंस कम अमाउंट में होगी ठीक है तो वो चीज़ रुक जाएगी अगर अनबैलेंस ज़्यादा अमाउंट में होगी बैलेंस कम अमाउंट में होगी तो फिर हमारे पास while, uh, while, uh, force, uh, 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 वो चीज़ आगे की तरफ मूव करेगी फोर्स इन द सेम डायरेक्शन आर एडिड वाइल फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन विल बी सप्रैक्टेड फोर्स वो डायरेक्शन की फोर्स वो एड होती है और जो कि जो जोज़िट डायरेक्शन वाली फोर्स होगी होती है वो सप्रैक्ट कर दी जाती है ठीक है यहाँ तक समझ आ गई अब हम लोग बात करते हैं स्पीड के बारे में स्पीड के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे वेन वी डिस्क्राइब हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ पर्सन आर एरजेक्ट मूविंग वी टॉक अबाउट अबाउट इट्स स्पीड यानी कि कोई बच्चा दौड़ रहा है ठीक है हम कहते हैं ये इसकी स्पीड है कोई गा, गाड़ी चल रही है कोई भी चीज जो मोशन में होती है हम उसकी स्पीड के बारे में जिक्र करते हैं ठीक है अब स्पीड है क्या स्पीड कैन बी इसकी स्पीड की डेफिनेशन है स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड अंदर वर्ड स्पीड इज द डिस्टेंस मूव पर यूनिट टाइम स्पीड क्या है कि कितना टाइम के अंदर इस चीज़ ने कितना टाइम में डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया ठीक है यानी कि स्पीड को हम लोग उसके डिस्टेंस और टाइम से मीर किया करते हैं तो स्पीड का फार्मूला क्या होगा स्पीड इक्वल्स टू तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम के अंदर कवर किया

टू हिज होम टाउन मतलब कि एक आदमी है वो अपनी वो घर से अपने गांव से बाइक लेकर आ रहा है ही हैज़ कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन फोर आवर उसने 80 किलोमीटर डिस्टेंस क्या है हमारे पास 80 किलोमीटर टाइम क्या है फोर आवर ठीक है तो उसने अब आपको बताएंगे स्पीड बताएंगे 80 डिवाइडेड बाय फोर कर देंगे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है ठीक है ये स्पीड आ जाएगी अब आ जाते हैं हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में ठीक है द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट मे बी की मे बी चेंजिंग ड्यूरिंग अ जर्नी दे फॉर इट इज़ मोर यूजफुल टू डिफाइन एवरेज स्पीड दैन एक्चुअल स्पीड एक्चुअल स्पीड से ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग उसकी एवरेज ही देखिए एक चीज़ कितनी स्पीड से आ रही है उसकी स्पीड क्या है ट्वेंटी है थर्टी है यानी वो स्पीड मेंटेन करता आ रहा है एवरी स्पीड ओवर कंप्लीट जर्नी कैन बी कैलकुलेटेड टोटल डिस्टेंस वेट बेट टोटल टाइम टेकन ठीक है यानी कि टोटल डिस्टेंस हम लोग बताएंगे पहले हमें पता होना चाहिए टोटल तो टाइम तो पता हूँ कितने डिस्टेंस में उसने और कितने टाइम में वो यहाँ पर पहुँचाया मिस्टर अमान ड्राइव वन किलोमीटर फ्रॉम कराची टू हैदराबाद इन टू आवर्स वो कराची से हैदराबाद का स, जो डिस्टेंस था वो 164 किलोमीटर था और उसने 164 किलोमीटर का डिस्टेंस दो घंटों में ट्रैवल किया है देन बैक फ्रॉम हैदराबाद टू तो कराची इन थ्री आवर्स और फिर वो हैदराबाद से कराची भी वापस आए थे लेकिन वो तब थ्री घंटे तीन घंटे में आए तो हाउ वट इज़ हर एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी एवरेज स्पीड क्या होगी 164 सिक्सटी प्लस वन यानी कि किलोमीटर कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची तो डिस्टेंस तो एक ही है तो दोनों को ये टोटल डिस्टेंस कितना कि उसने किया था थ्री ट्वेंटी एट ठीक है टू प्लस थी इस गोजू फाइव आर टोटल डिस्टेंस हमारे पास थ्री ट्वेंटी एट था फाइव आर फाइव आर के अंदर टोटल टाइम था यानी कि सिक्सटी फाइव पॉइंट सिक्स किलोमीटर पर आर की स्पीड से उसने ने, उसकी स्पीड थी ठीक है सारे सफर के दौरान ठीक है ओके जी अच्छा आगे फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपने साथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वगैरह शेयर करूंगी तो ये था आज के लेक्चर आपको आज के लेक्चर समझ आ गया अगर आज के लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप लोगों को कौन सा लेक्चर चाहिए इस वीडियो के बाद इस बुक के बाद तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपलोड करना शुरू कर दूं और बुक आप लोगों ने प्रॉपर बुक बतानी है क्लास का नाम लिखना है कि कौन सी क्लास है कौन सी बुक है ठीक है तो ये था आज चलो चो हूसो तो आपको समझ आगे होगा मिलती हूँ किसी और वीडियो में दो में याद रखिएगा जाते जाते चैनल को मस्त कर दीजिएगा